अरे यार अब बताओ, तुमने तो भाई मतलब मुसलमान भी इतनी गालियां नहीं देते, तुम लोग हिटी डिबेट्स के होके बताओ रामकृष्ण को गाली दे रहे। अरे नहीं तो तू नकली आर्या नमाज जी का चोदा बन रहा है ना, तेरे माँ बाप जो है ना रंडी फड़वे थे जो तेरे को पौराणिक पैदा किए है ना। हाँ सनातनियों, गीता वर्सेस कुरान करना है या तमाशा करना है? तो तमाशा करना है तो तुमसे बड़ा तमाशा हम करेंगे, हमारी ऐसी की तहसीब कहेंगे भी कुछ नहीं और रगेद के रख देंगे। अरे तेरा दयालंड क्या किया भोसड़ी के, इस देश के लिए क्या किया तेरा दयालंड भोसड़ी का मादर चोद? स्वामी दयानंद ओ मेरे टिड्डल, मेरे दोस्त मेरे मित्र स्वामी दयानंद टिड्डल की भी लुंगी उतर गई है। अरे यार तुम तो भाई क्या 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 होता है आर्य नमाजियों की, पंजाब में तुम लोगों ने अपनी माँ बहन चुदवाई, वहाँ पे तुम पिटीशन फाइल कर रहे हो कि तुमको माइनॉरिटी दिया जाए, और जो कोर्ट डिसीजन है तुम आर्य नमाजियों की और खासकर तेरे जैसे नकली आर्य नमाजियों की माँ चुदी थी, सीधे मुंह पे फेंक के मारा कि तुम्हारा जो ये आर्य नमाजी जो आर्य समाज लंड जैसा झाट जैसा है वो क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और उसका लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं, वो कहता है मैं वेद यूज करता हूँ, ये देखो जरा। वो क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, और उसका जो ये जो वेद है लंड जिस पे मैं मुठ मारता हूँ है ना भोसड़ी के, बहुत वेद वेद करता है ना, वेद को पूरा छेद करके पूरा जला के राफ करके तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरे माता पिता के सामने मारूंगा, तेरी बहन के सामने वेद। अब बताओ, अब बताओ, लो जी ये देखो क्या कर रहे हैं वेद के साथ, ये है हकीकत। ये ब्रह्मा वाली प्रैक्टिस कर दी, चार बूंद वाली। हमने इनसे कहा था, हमने इनसे कहा था यार हमारा मुंह मत खलवाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हारा कुछ रहने नहीं देंगे। अगली सुन ले, ये भी तेरे लिए है ना, रुकमणी को चोदेंगे, उसकी चोट फाड़ फाड़ के चोदेंगे है ना बराबर, और जो तेरे कृष्णा है कृष्णा की तो गांड मारूंगा मैं, तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया किया भोसड़ी का, उसकी भी मैं मार दूंगा। चौदह साल वनवास किया राम, सिला ये मिला है कि आज भक्त ये कर रहे हैं, ये देखे जरा। है ना रुकमणी को चोदेंगे, उसकी चोट फाड़ फाड़ के चोदेंगे है ना बराबर, और जो तेरे कृष्णा है कृष्णा की तो गांड मारूंगा मैं, तेरा जो राम भड़वा है भोसड़ी का चूतिया साला, 14 साल गांड मरवाया वनवास किया भोसड़ी का, उसकी भी मैं बात करूंगा। लो जी ये आपने सुन लिया, देखो भाई हमने अपनी जुबान से कोई बात नहीं की, तुमने जो बोला वो तुमने सुन लिया है जी। 14 साल तक राम क्या मरवाता रहा वनवास के अंदर, भाई मैंने नहीं बोला, तुम्हारे सनातनी बोलते हैं, वेद के ऊपर क्या पिचकारी मारेंगे ये तुम्हारे सनातनी बोले, मैं नहीं बोला। रुक्मिणी के साथ क्या फाड़ेंगे करेंगे ये उन्होंने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। सीता के साथ किस प्रकार बलात्कार करेंगे ये सनातनियों ने बोला, मैंने नहीं बोला। मुझे बैन कर देते हो फ्री में, भाई मुझे काहे को बैन करते हो, भाई मुझे काहे को करते हो, भाई मैंने क्या कहा है, मेरा क्या कसूर है, हैं कमाल है यार। यानी जो बंदा जागृति करे, जो बंदा इनको जगाए, जो बंदा इनको समझाए, जो बंदा इनको प्यार से सुलाए, ये उसी के शिवलिंग को काटने को दौड़ते हैं, भाई मेरा कट चुका है, मैं कटवा चुका हूं, अब प्लीज इधर मत आओ, तुम्हारी मेहरबानी। ये है दोस्तों
हकीकत और इसका क्रेडिट जाता है उस शख्स को जिसने आकर हमारे साथ टीटो पार्टी करने की कोशिश की। तेरी टीटो पार्टी चलने नहीं देंगे हम, ये याद रखना। अब ये तुझे क्रेडिट चला गया है, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है जी। मैं देख रहा हूँ कुछ ओ भाई बहुत अच्छे, एक मिनट जरा यार इनको ले लूँ, ये भाई कह रहे हैं को बात करना चाह रहे हैं। जी भाई, आप सनातनी भाई हो? भाई सनातनी, आप अगर आप बोलना चाहो बोल सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने क्यों बोलना है, आप बताएं, जो आप अपने आप को बोलते हैं वो बताएं, मैं वो बोलूंगा ना भाई, क्या हो गया? मैंने लिखा है यार, मैं एक इंसान हूँ और बेहतर इंसान मैं अपने आप को मानता हूँ, ठीक है। अब अगर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को मानते हैं या ह्यूमैनिटी को मानते हैं आप? ये आपने ये स्पेलिंग में कोई मसला हो गया, खैर कोई बात नहीं। हाँ, स्पेलिंग को इग्नोर कर दो भाई, ठीक है। चले ठीक है, ठीक है, मैं इग्नोर कर दूँ। बेशक गीता, गीता को आप मानते हैं? नहीं तो यार क्या करूं, मैंने लिंक तो गीता, जो गीता पर विश्वास रखते हैं, गीता को मानते हैं, उनके लिए दिया था, क्या करें। हाँ, अब यही इसी बात पर मैं आ रहा था, ठीक है, कि हम लोगों की भी तो आवाज है भाई, ठीक है, आप आवाजें हक हैं, ठीक है, तो हम लोगों की तो आवाज सुनिए। जो दोनों में सुलह की कोशिश करते हैं, जो चाहते हैं कि ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई गलत बोले, ना किसी और मजहब को या किसी भी धर्म को गलत बोले, हर कोई एक भाई बंदी से रहे, भाईचारे से रहे, उन आवाजों को कौन सुनेगा भाई, ठीक है। हम सुना रहे हैं ना, हम सुना रहे हैं, आप बोले, खुल के बोले। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि जो टोन उधर है वही टोन मुझे इधर भी दिख रही है, ठीक है। बात मेरी बात को बुरा लगे नहीं, बल्कि मैं थैंक यू बोलने लगा था आपको कि आपने अच्छा कहा कि जो टोन उधर है वही इधर है, थैंक यू। हाँ, मुझे बुरा तब लगता आप कहते हैं कि वो अच्छी टोन है और आप बुरे में बात, तो फिर मुझे बुरा लगता। ये यही मैं चाह रहा हूं, जो आपने फील किया ना, बिल्कुल यही है, जो टोन उधर है वही टोन इधर होगी, तो जिसको ये चाहिए ना कि यहाँ की टोन अच्छी हो, वो पहले उधर की टोन को ठीक करवाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस आग में पैसा झोंका है, इसको जलाने के लिए लकड़ियां डाली हैं, तो तपश तो उनको भी पहुंचेगी। चलो चलो, मैं इसका उल्टा बोलता हूँ, ठीक है, आपकी बात को ही मैं उल्टा बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, उनकी टोन, नो डाउट ऑफ दैट, कि वो लोग भी एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं, ये साफ दिखता है, ऐसा नहीं कि वो नजर नहीं आता, जो जिनको जिनके अंदर जरा भी दिमाग है दिखता है कि एजेंडे के तहत चल रहे हैं, ठीक है। अब उसका काउंटर एजेंडा चलाने के बजाय कहीं से तो शुरुआत हो बेहतरी की, ठीक है। एक तरीका है लड़ने का, एक तरीका है मोहब्बत का, ठीक है। मैं बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैं अगर एक मिनट के लिए मान लूं कि अगर पूरी कौम को आपकी अकीदत के अनुसार बनाने वाला अल्लाह है, तो मुझे भी तो अल्लाह नहीं बनाया है क्या? मैं आपसे छोटा मुसलमान हुआ? नहीं, अब आप मुझे ये बताएं, आप कोर इशू को डिस्कस करना चाह रहे हैं या आप क्रिएशन को डिस्कस करना चाह रहे हैं? नहीं, क्योंकि आप बात कहीं और ले गए। ना मैं कोर इशू डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ना मैं क्रिएशन डिस्कस, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी सॉरी, मुझे क्यों लग रहा है मैंने आपकी आवाज कहीं सुनी है, पहचान रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन मेरी आइडेंटिटी प्लीज डिस्क्लोज मत करिएगा, ठीक है। ओके ठीक है नहीं करता मैं, नहीं करता, और मुझे क्योंकि यार आप तो बड़े प्यारे हमारे भाई हैं, मैं तो बड़ा आपको मिस किया यार, मगर मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मैं वही बोल रहा हूँ, उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे ट्रोल किया, इसलिए मैं नहीं आया, जबकि आप लोगों ने मुझे याद है, मुझे व्हाट्सएप भी भेजा था आपने, ठीक है, और इनवाइट किया था, सारी चीजें मैं डिस्कस करना चाहता, लेकिन देखिए इतनी गंदी कौम है, ठीक है, कि हर चीज पे सच बोलने वाले की आवाज दबाई जाती है भाई, हम लोगों का आवाज कहाँ जाएगी यार, जो चाहते हैं कि पूरे खित्ते में मन आए, ठीक है, हर कोई जो है एक सच की बात करे। मैं उतना ही बड़ा मुसलमान हूं जितने बड़े आप हैं, ठीक है, मैं उतना ही बड़ा सनातनी हूँ जितने बड़े आप हैं,
भाई मेरा और आपका बनाने वाला अलग नहीं है, वो हम आप क्या समझ रहे हैं वो अलग बात है। देखो यहाँ पर मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, कोई कुरान मान रहा है बेशक सच्ची किताब है, कोई और कोई किताब मान रहा है बेशक वो भी सच्ची किताब है, ठीक है। मेरा दिक्कत केवल एक है कि जहां भी जहर निकलेगा, जहां भी एक इंसान के खिलाफ दूसरा इंसान खड़ा होगा केवल इस नजरिए के आधार पर कि ये मुझे ताई दिया, ये मुझे सिखलाई मुझे कुरान या हदीस या वेद या बाइबल से मिल रही, मैं उनके खिलाफ, वो लोग कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए, ठीक है, खुदा को या क्रिएटर को, बनाने वाले की ईश्वर को, अल्लाह को समझ नहीं पाए, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ भाई, कहीं तो यार हम लोगों का आवाज आए, ठीक है। आज चुप जाना पड़ रहा है, आप खुद सोचो। अच्छा एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आइडेंटिटी तो आपकी डिस्क्लोज मैं नहीं करूंगा कभी भी इंशाल्लाह, मगर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप पर जोर लोगों ने ये डाला था कि आप वहां क्यों गए हो, यानी हमसे बात करने पर आपको तो, हालांकि आपसे तो बड़ी अच्छी बात हुई थी और आप एक चेंज क्रिएट कर पा रहे थे, एक माहौल चेंज हुआ था कि आपके साथ बड़ा सीखने को मिल रहा था और बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी टू वे। एग्जैक्टली, तो फिर लोगों को क्यों, यानी आपको जिन लोगों ने रोका, मुझे तो वही शत्रु लग रहे हैं कि हम तो चाहते हैं अच्छे लोग आए, माहौल चेंज हो जाए, अच्छी बात, अच्छे लोग आएंगे अच्छी बात होगी। अब ये देखो ना, एक बंदा आया, उसने गाली गलौज करने की कोशिश की, मुझे इन रिस्पॉन्स कार्मा के तौर पर करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। नहीं देखिए, मैं रिएक्शन को एक वो मानता हूं कि भाई चलो ठीक है, अगर कोई आपको भी थप्पड़ मारेगा या आपके माँ बहन गाली देगा या जिसको भी आप मतलब वो मानते हो तो हर्ट होगा तो सामने वाला रिएक्ट करेगा, मैं उसको उसी तरीके से मानता हूँ कि एक मतलब न्यूट्रल थर्ड लॉ के तौर पर मानता हूँ मैं उसको, वहां पर मैं गलत नहीं बोलूंगा आपको, लेकिन गलत तब बोलूंगा जब आप एक कुछ सिलेक्टेड लोगों पर जिनकी तादाद शायद दोनों तरफ से 1% भी ना हो, उनके चक्कर में 99% को चाहे वह पार्टी चाहे यह पार्टी जब दिल दुखाती हो ना तो फिर दिक्कतें होती हैं मुझे, ठीक है, मामला ये है, ठीक है जी बोलिए। अच्छा सॉरी, देखें देव भाई, उसूली तौर पर या मैं आपको कहूं कि हमारा प्रिंसिपल, हमको 85 बार रख चुके हैं यार, को पहली बार नहीं रख रहे, हमको 85 बार ये बात रख चुके हैं कि, और आपने जब कहा ना कि हमारी बात कौन सुनेगा, मैं ऑनेस्टली जब आप फर्स्ट टाइम आए थे मुझे इतना अच्छा लगा था आपसे बात करके कि मैं बाकायदा वेट कर रहा था कि यार ये भगवद गीता वर्सेस कुरान का एक बड़ा जबरदस्त टॉपिक शुरू हुआ है, इसी तरीके से पीछे कुछ टॉपिक्स चले थे, मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा यार हमारा भाई किधर गया है, वो बड़ी जबरदस्त बात चलती थी जो है ना, जो म्यूचुअल एक सम्मान था, म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग की बात चल रही थी। मुझे तो वो लोग शत्रु लगते हैं कि जो लोग अच्छे लोगों की आवाज़ को दबाते हैं, जो लोग प्रेम की आवाज़ उठाते हैं उनको दबाते हैं, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ। अगर मेरा एजेंडा सिर्फ क्रोध नफरत एक दूसरे से बांटना दूरी होती, मैं आपको याद भी ना करता, मैं तो ऑनेस्टली लाइव बता रहा हूँ, हमारी पब्लिक सुन रही है, मैं तो आपको याद कर रहा था, मैंने कहा यार ये भाई किधर गए हैं, क्योंकि अच्छे लोगों की आज के समाज में अच्छे लोगों की कमी होती जा रही है, कहत पड़ रहा है, और बुरे लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, नफरत बढ़ती जा रही है। आप जैसे लोग आएंगे वो आकर सनातन धर्म का पक्ष रखेंगे, ऑटोमेटिकली पब्लिक को पता चलता जाएगा यार अच्छे लोग भी हैं, आपसे सीखने को मिलेगा, हो सकता है कितने सनातनी आपकी बात से ये सीखें कि बात करने का तरीकाकार क्या है। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है ह्यूमैनिटी भाई, मैं क्रिस्टल क्लियर आपको बता रहा हूं और मैंने पहले भी कहा, हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, ना हम जुल्म करेंगे ना जुल्म सहेंगे। ये सीधी बात, सहना भी गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है, एग्जैक्ट, अन्याय ना किया जाएगा ना अन्याय को स्वीकार किया जाएगा। सबसे बड़ा सत्य अगर मृत्यु के बाद कोई है तो वो न्याय है, exactly. सबसे बड़ा सत्य न्याय, न्याय इतनी बड़ी चीज है कि अल्लाह ने इसको या ईश्वर परमात्मा ने इसको नेचर के अंदर रख दिया, न्याय को इतनी बड़ी चीज है, सही, जस्टिस अदल, इसके बगैर कुछ भी नहीं है, यह हकीकत है।
यहां तक के कुरान में लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी भाई, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है एदिलू हुआ अकरबु लित्तक्वा, अगर तुम सबसे ऊपर के स्थान पर अल्लाह की दृष्टि में सबसे ऊपर के स्थान पर आना चाहते हो, न्याय की स्थापना कर दो। क्योंकि न्याय आपको आपके अपने भाई, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े, सत्य की खातर न्याय इसे कहता है कि आपने होना। अब हम सनातनियों से कहते हैं कि न्याय का साथ क्यों नहीं दे रहे, जब तुम देख रहे हो कि एक्स मुस्लिम्स का एजेंडा हिंदू मुस्लिम को लड़वाना है। आप अंदाजा करो, मैंने ये पोस्ट लगाई थी अपना, ये प्रेजेंटेशन जो शुरू की है इसकी बेस भगवद गीता वर्सेस कुरान की एक एक्स मुस्लिम की पोस्ट बनती है। मैंने उस पे कहा कि यार एक एक्स मुस्लिम का क्या लेना देना गीता से, ना उसका गीता से कोई लेना देना, ना उसने कभी गीता पढ़ी, ना कभी वो सनातन धर्म पे विश्वास रखता है, ना श्री कृष्णा में उसकी आस्था है, ना कभी उनको जाना, ना कभी उन पर ध्यान किया। वो बंदा पोस्ट लगा के कहता है मोमिन प्लीज आंसर भगवद गीता वर्सेस कुरान। मैं क्या समझूं, ये तो ऐसे ही है कि मुस्लिम और हिंदू बैठ के दोनों दोस्त आराम से रशियन सैलेड खा रहे थे और एक्स मुस्लिम ने आके मांस फेंक कर भाग गया। आमिर भाई सबसे बड़ी जो मतलब मुझे जो एक अंदर से गुस्सा तो नहीं मैं करता हूं, लेकिन अंदर से जो मुझे दुख होता है ना, पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो इस बात का, ठीक है कि साला देख क्या रहे हो सोसाइटी को तुम, ठीक है जहर, ठीक है ठीक है, तुमने एक इंटरप्रिटेशन किया, उस इंटरप्रिटेशन से कोई हो सकता है कि सहमत हो, कोई हो सकता है कि उससे एग्री ना हो, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशंस जितने भी मेडिएबल और एंशियंट टेक्स्ट हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, आपको पता है कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मेरे स्टूडेंट, ठीक है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, मेरे स्टूडेंट स्टूडेंट है, ठीक है, वहां पे मैं एक स्टूडेंट को उनका आगे जो उनका मुस्तकबिल बनाता हूं मैं, ठीक है, और उसके लिए मैं इस चीज का प्राइड फील करता हूं कि यस, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है कि मेरे पास ऊपर वाले ने इतना मुझे सऊर सिखाया या इतना आशीर्वाद है उसका, ठीक है, इतना उसकी कृपा है, ठीक है, दिव्य दृष्टि है उसकी, जो भी है, कि कम से कम मुझे समाज को आगे ले जाने के लिए रास्ता दिखाया है, ठीक है, बिल्कुल, यानी आप पॉजिटिव पॉजिटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, प्रोग्रेसिव सोच है, अच्छी बात है, बिल्कुल। और वहां मैं हिंदू मुस्लिम नहीं देखता हूँ, ठीक है, और मैं मोर देन 35 कंट्रीज टहला हूँ, ठीक है, और ये चीज मैंने मतलब मोर देन 10 एजुकेशनल सिस्टम्स को मैंने स्टडी किया है, ठीक है, बहुत सी चीजें इम्प्लीमेंट हुई हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो भी है। मेरा एक बड़ा सिंपल सा चीज है कि आज अगर हम इस पूरे के पूरे रीजन को डेवलप कर सकते हैं, पूरे पूरे रीजन में देखिए कितनी गुर्बत है, कितनी दुनिया भर की समस्याएं हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम आगे बढ़े, ठीक है, एक बात। दूसरा, हम इन कॉन्फ्लिक्टिंग चीजों से थोड़ा सा उबर जाएं। अपना अपना एक अकीदा है, वो अकीदा सबको स्वीकार्य होना चाहिए कि भाई मैं अगर कुरान पाक को मान रहा हूँ, मैं एक नमाजी हूँ, ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ तौहीद में, इट शुड बी रेस्पेक्टेड, ठीक है, वहां ये क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए कि 1400 साल या ब्ला ब्ला इयर्स में क्या हुआ, वो कहानी खत्म हो चुकी है भाई, उसमें कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, वो एक अलग बात है। मैं देखो, आपको हो सकता है बुरा लगे कि मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजें अच्छी होंगी, साथ में मैं भी बोल रहा हूँ कुछ चीजें बुरी होंगी, बुरा मेरी नजर में है। अब मैं, ठीक है, बुरा मेरी नजर में क्यों है, क्योंकि मेरा नजरिया वैसा है, मैं बुरा देखना चाहता हूँ, इसलिए बुरा लग रहा है, ठीक है। हकीकत में कोई भी टेक्स्ट, कोई भी धर्म, कोई भी रिलीजन, कोई भी अकीदत इंसान को इंसान बनाता है भाई, ठीक है आमिर भाई, इंसान को जाहिल नहीं बनाता, ना कोई जानवर बनाता है, ठीक है। इस रिलीजन को मैं दो पार्ट में बांट देता हूँ, एक है आपका जिसको हम बोलते हैं रिचुअल्स या कर्मकांड, एक है जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, दर्शन या उसका कोर जिसको आध्यात्म कहा जाता है। आध्यात्म हर रिलीजन यही सिखाता है कि बेहतर इंसान बनो,
लोगों से मोहब्बत करो, ठीक है, प्राणियों पर दया करो, नेचर को कोशिश करो, बड़ों की आदर करो। कौन सा धर्म इसके खिलाफ सिखाता है बताओ? एग्री, बिल्कुल टोटली एग्री। और हर किसी, और दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कि रिचुअल्स, कोई अब जाकर नारियल फोड़ रहा है, कोई जाकर अगरबत्ती जला, मैंने देखी, सॉरी सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अब आप बात वहां से शुरू हुई। देखिये मैं मुस्लिम हूं ना, आपने बोला सब धर्म ये सिखाता, मैंने आपसे क्या कहा? टोटली एग्री, ये बोला ना मैंने सही। अब लोगों को अंतर पता चलना चाहिए। ये बात कभी आप एक्स मुस्लिम के सामने करके देखें, वो पता है कहेगा नहीं 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 नहीं, इस्लाम ये, इस्लाम वो, इस्लाम ये। आप मेरे सामने बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सारे धर्म अच्छाई सिखाते हैं, हम अमन वाले लोग, हम चाहते हैं सबके साथ मिलकर चलें। तो मैंने बोला कि टोटली एग्री ऑनेस्टली, क्योंकि मैं वेदास भी और भगवद गीता भी पढ़ चुका हूं, तो मुझे पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट यही सिखाता है कि सबके साथ मिलकर चलना है। अब जब ये टांग खींचते हैं, कहते हैं नहीं जी इस्लाम में ये है इस्लाम, तो फिर ये भूल जाते हैं कि धर्म और धर्म में अंतर होता है, सत्य और असत्य में अंतर होता है, विद्या अविद्या में अंतर होता है, पापी और पाप और पुण्य के अंदर अंतर होता है। ये अंतर नहीं करेंगे क्या हम? अंतर करेंगे, इसी तरह धर्म अंतर करता है। इसका एक छोटा उदाहरण मैं बताऊं, आपके ही इसी आज के स्ट्रीम से, आज का स्ट्रीम मैं आपका देख रहा था लगभग 4 घंटे से, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे ये बात वही होगी कि एक हाथी का कोई पैर पकड़ा, एक हाथ पकड़ा, एक बला बला पकड़ा। लेकिन अगर कोर में जाएंगे तो कोर में मैं बिल्कुल उतना ही बड़ा मुसलमान हूं जितने बड़े आप हैं। क्यों? हम दोनों को उसी खालिक कायनात ने बनाया है, ठीक है? नहीं खालिक नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुसलमान फर्क समझाता हूं। देखें जी, अगर आप कहेंगे उतने ही आप इंसान हैं जितना मैं हूं, तो इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हम सबको इंसान बनाया। इंसान बनने में ना आपकी इच्छा थी ना, यानी ना आपके आपके पास कोई चॉइस थी ना मेरे पास चॉइस थी। यानी जब आप अपने माता पिता के माध्यम से इस पृथ्वी पर या इस दुनिया में आए हैं, तो आपसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया था कि आपको हम इंसान बनाने लगे हैं या आपने जानवर बनना है, आपको नहीं याद, ठीक है? मगर मुस्लिम या सनातन होना या मसीही होना या दूसरा होना, इसमें आपके पास आज हमारे पास इच्छा है, हम क्या स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि सही सही शब्द ये होंगे या सही जुमला या सेंटेंस ये होगा कि ऊपर वाले ने जितना आपको इंसान बनाया उतना ही मुझे बनाया। अब अंतर होगा कर्म के आधार पर कि ह्यूमैनिटी भाई किस बेस पर कर्म लेकर चलते हैं, मैं किस बेस पर कर्म लेकर चलता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया के न्यायशाला इसी पर काम करते हैं कि आमिर हक ने अच्छा कर्म कौन सा किया है, यानी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पीनल कोड कौन सी अच्छी चीज की है कौन सी नहीं की है, उस अनुसार मुझे जज करते हैं। अदरवाइज ना मेरे रंग से, ना मेरे कदकाठ से, ना मेरी एजुकेशन से, ना मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई मुझे जज नहीं करता, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था कि मैं किसके घर में पैदा होऊंगा। ठीक है, मैं राजा के घर में पैदा होऊंगा या मैं किसी गरीब के घर में पैदा होऊंगा, ये मेरे बस में नहीं था, बट मेरे कर्म मेरे बस में थे। लिहाजा मुस्लिम का ताल्लुक कर्म से है, यानी विश्वास श्रद्धा साथ कर्म। यानी जो लोग ये मानते हैं कि मुसलमान सिर्फ ईमान का नाम है और ईमान वो कैद करते हैं सिर्फ इस चीज के ऊपर कि अल्लाह को एक माना, अल्लाह के रसूल को माना और जनाब जो जो ईमानियात है वो माना, ठीक है वो पार्ट ऑफ दैट है, मगर वो हाफ है, आधा। इस्लाम, इसीलिए कुरान ने जो टर्म इस्तेमाल की थी, कुरान ने कहा था उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे प्रवेश कर जाओ। होता ये था कि लोग धर्म के मामले में क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी भाई ये इतनी आपको ये चीजें आपके समाज में नजर आएंगी, चाहे सनातनी हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई मसीही हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, सब लोगों ने अपने धर्म के अंदर से अपनी पसंद की चीजें चुन ली हैं और उनका पालन करके खुश फील करते हैं। बेशक बेशक बेशक, सही बात। कुरान ने कहा इन लोगों के बारे में कुल्लु हिज्ब बिमा लदैहिम फरेउन, हर संप्रदाय अपने ही इच्छाओं में खुश है कि जो उसने पालन कर लिया। कुरान कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफा, अगर तुम धार्मिक व्यक्ति थे तो पूरे के पूरे धर्म का पालन करना था तो भी तुम धार्मिक व्यक्ति होते, ये पिक एंड चूज नहीं। तो हमारी नजर में मुसलमान वो होगा जो कंप्लीटली इस्लाम को फॉलो करता होगा, या कम अज कम चलो मिनिमम प्रयास करता हो। सही, प्रयास तो हमारे बस में है ना, परफेक्ट तो हम नहीं है, मनुष्य परफेक्ट नहीं हो सकता, मगर प्रयास हमारे बस में है। इसीलिए आप ये कहें कि आप और मैं बराबर के इंसान है तो बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं, मगर मुसलमान नहीं, मुसलमान और है। नहीं, ये फैसला
कयामत के दिन, ठीक है, अल्लाह ताला करेगा कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं। एक मिनट भाई, भाई बोलने दीजिए। जी जी। और कितना बड़ा मुसलमान कौन है, ठीक है, इसलिए मुझे इस बात पे पूरा ऑब्जेक्शन है, ठीक है। मैं इंसान भी हूं और उतना ही बड़ा मुसलमान हूं जितना बड़ा कोई और है, ठीक है। ये मेरा दावा है, ठीक है, ये मेरा दावा गलत हो सकता है, लेकिन ये इसका इस दावे का फैसला कयामत के दिन होगा, ठीक है। नहीं, दावे का फैसला कयामत के दिन उस फैसले का होगा जिसका तल्लुक आपके मन के साथ है। मान ले मिसाल के तौर पर आप मन में मेरे, आप, नहीं देखिए, अगर आप ये बात आपके दिल में होती, ये बात आपके दिल में होती तो मैं ना जान सकता, मगर आपकी जुबान पे है। याद रखें, आजकल तो जुबान के ऊपर, आप तो माशाल्लाह लॉ भी पढ़ते हैं, आजकल तो जुबान के ऊपर इतनी धाराएं लगती हैं कि कोई शब्द आपने इधर से उधर कर दिया तो डेफेमेशन का करोड़ों रुपए का हर्जाना आ जाता है। तो इसलिए याद रखना कि जुबान से जब आपने शब्द अदा कर दिए हैं तो फिर उनको डिस्कस किया जा सकता है। जब तक आपके मन में था, मैं तो नहीं जान सकता, अभी भी डिस्कस करने को तैयार रहता हूं, ठीक है। चलें ऐसे कर लेते हैं, अभी तो समय बहुत ज्यादा बीत गया है, रात बड़ी ढल गई है, तो अब ऐसे कर लेते हैं कि अगले हफ्ते फ्राइडे को आपके इस विषय के ऊपर भी चर्चा कर लेंगे जब आप आएंगे, कि आप मुसलमान हैं तो किस प्रकार हैं, कितने मुसलमान हैं, और आप मुसलमान किसको समझते हैं, मुसलमान को डिफाइन कर लेंगे और फिर उसको डिस्कस कर लेंगे मुसलमान होता कौन है। ऐसे कर लेते हैं नेक्स्ट वीक। हाँ, एक छोटा सा फिर वही है कि आप तो मतलब पहले भी मुझे बोले थे, और इनफैक्ट आपने व्हाट्सएप भी किया था, ठीक है, और मैं नहीं आ पाया, मैंने कारण भी बता दिया क्यों नहीं आ पाया, ठीक है। लेकिन बस वही है कि दो चीजें, एक तो ये है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, दूसरा, ठीक है, कि कहीं भी हम एक दूसरे की फीलिंग को हर्ट ना करें, और ना और किसी की फीलिंग को हर्ट करें, एटलीस्ट जब तक मैं हूं, ठीक है। जब मैं स्क्रीन से बाहर हूं, आप क्या करते हैं, मुझे कोई वास्ता नहीं। ठीक हो गया, डन हो गया, ये दोनों चीजों का मैं पालन कर लूंगा। एक तो आपकी आइडेंटिटी रिवील करने का मुझे कुछ भी उसका कोई लाभ ही नहीं है, हकीकत यह है, ठीक है, और ना मेरे पास कोई इंटेंशन है ऐसी, तो वो नहीं करूंगा आपकी सिक्योरिटी के लिए। और दूसरी चीज ये है कि आप जितनी देर तक मौजूद रहेंगे, मैं किसी किस्म की कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा जिससे आपको दुख पहुंचे। आई प्रॉमिस। किसी को मतलब देखिए, ह्यूमैनिटी भाई, देखिए मैं आपकी गारंटी ये ले सकता हूँ, आप जितनी देर तक मौजूद है, अभी कोई ऐसा शब्द निकला जिससे आपको दुख पहुंचा हो तो आपकी गारंटी ले सकता हूँ। अब यहाँ पर लोग हैं, वो तो मेरे सांस लेने पर भी उनको आपत्ति है, क्या करूं, सांस रोक लूं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लोगों की गारंटी नहीं मैं ले सकता, आपकी गारंटी लेता हूँ, आपको दुख नहीं होगा। आमिर भाई आप बहुत ही जहीन इंसान है, और मुझे समझ में आ गया आप क्या बोलना चाहते। मैं ये वाइस वर्सा बोल रहा हूँ कि मैं भी ऐसी ही लैंग्वेज यूज करूं कि किसी को दुख न पहुंचे, वो मैं बोल रहा हूँ। किसी को कहने का मतलब कि आप भी वैसे करें, और वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर भी होगी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, थैंक यू जी। ह्यूमैनिटी भाई, दोस्तों हमारे साथ थे, बड़े प्यारे भाई हैं, पुराने मित्र हैं हमारे, और अच्छा लगा ये आए काफी अरसे बाद। और हकीकत यह है कि मैं तो इनका इंतजार कर रहा था कि ये कभी आएंगे तो अच्छी बात होगी, ये बड़ा जरूरी है। तो ये रही आज की चर्चा, बड़ा लंबा हमारा सेशन चला। अभी मैं देख रहा हूँ पीछे एक एग्नोस्टिक ह्यूमनिस्ट भाई बैठे हुए हैं, एग्नोस्टिक ह्यूमनिस्ट, यानी ना इनका गीता के साथ लेना देना, ना इनका सनातन धर्म के साथ लेना देना। तो एग्नोस्टिक ह्यूमनिस्ट भाई हमारे साथ आके बैठे हुए हैं बैक स्टेज पे। 6.5 घंटे की स्ट्रीम हुई चाहती है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम प्रोग्राम करेंगे तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो गीता के फॉलोअर्स हैं, महल्ले वाली गीता की बात नहीं कर रहा, या आपकी कॉलेज या कुलीग गीता की बात नहीं कर रहा, भगवत गीता की बात कर रहा हूं, श्री कृष्ण की गीता की बात कर रहा हूं, उस पर आप प्लीज आइएगा, ठीक है जी, उस पर बात होगी। आज काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई, बड़ा मजा आया, डिस्कस किया, और एक सेगमेंट बड़ा ही हैवी रहा। समझ रहे हैं? बिल्कुल। उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है, जो लोग देखना चाहते हैं तो
जिनका कोई ऐसा मामला है तो वो देख सकते हैं भाई। इस्लामोफोब के साथ तो सर नो रहम, सॉरी नो मर्सी, बेशक नो मर्सी एट ऑल, क्योंकि जो हमने अपने कानों से इनको कहते सुना है ना, जिसने नहीं सुना वो जो मर्जी सोचता रहे, ठीक है ना। तो हमने लोगों को जस्टिफिकेशन नहीं पेश करनी भाई, सीधी बात है, हमने अल्लाह के सामने जस्टिफिकेशन पेश करनी है, सिंपल। तो जिनको अगर कोई उसमें आपत्ति लगी, कोई ऐसी चीज लगी, स्किप कर दो। अच्छा उससे भी आसान बता देता हूं, ना देखो, सिंपल, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिंपल। तो ये चीज है, वो लोग जुड़े जो लोग हमारे मिशन को, हमारी डोमेन को और उस सारे बैकग्राउंड को जानते हैं, जिस बैकग्राउंड में ये सूरत हाल यहां तक एक मोमेंटम की शक्ल इख्तियार कर गई हुई है कि अब सनातनी उस बैकफुट पर जा चुका है, इस्लामोफोबिक सनातनी उस बैकफुट पर जा चुका हुआ है कि अब उसको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। अभी आपको नए चेले चांटे, नए इस तरह के चमचे कड़छे, नए गंदे अंडे मार्केट में घूमते दिखाई देंगे अगर, कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं, उनको हमारा अभी तक तारुफ हुआ नहीं। जब उनको तारुफ इंशाल्लाह हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, और वो तारुफ करवाना है आपने, इस्लामोफोब्स को तारुफ आपने करवाना है, ये आपका काम है। और इस कटहरे तक आपने लेके आना है, इस्लामोफोब्स को इस कटहरे तक आपने लेके आना। और यार जो बेचारे सीधे साधे शरीफ लोग हैं ना, मेरी तरह के मासूम, उनको ना लिंक शेयर कर दिया करें। मुझे लगता है कोई शरारती लड़का है वो ना किसी इस्लामिक ग्रुप के अंदर, जहां पर मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, वो लगता है शरारती लड़का ना मेरा लिंक डाल देता है वहां पर, आवाज़ हक के चैनल का। अब वो जब फ्राइडे को आते हैं वहां पर, वो समझते हैं यहाँ कोई प्यार मोहब्बत की बातें चल रही होंगी, वो आके देखते हैं यहाँ जनाब तबाही फिरी हुई है, यहाँ पर तो दबड़ दा दगड़ दिन दा थड़थली मची है, महाभारत चल रही है, उनके कानों से धुएं निकल आते हैं। वो कहते हैं ये किसने शरारती ने, ये कौन सा गलत चैनल पर तो नहीं आ गए। ऐसे कमजोर शरीफ मासूम सीधे साधे लोगों को, मुत्तकी हजरात को और मोमिनीन को यार आप थोड़ा कोशिश किया करें, उनको लिंक ना दिया करें, बाद में सफाइयां कौन देता फिरेगा। मैंने आपको पहले भी एक वाक्या बताया था कि एक मुस्लिम सिस्टर थी, काफी अर्सा पहले, उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो मुझे मैसेज करके कहती हैं आमिर भाई आपका प्रोग्राम बड़े शौक से सुना करती थी, एक दिन लाउड स्पीकर आपका प्रोग्राम चल रहा था, पीछे से अम्मी आ गई। तो आप जो है वो को बात कर रहे थे, तो कहती हैं कि मुझे फिर मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई और मेरा काम उधर जो है ना मसला खराब हो गया मेरे लिए, तो आप प्लीज जरा हाथ हल्का रखा करें। तो मैंने उन बहन को कहा कि देखें आपके पास दो ऑप्शन है, या तो हेडफोन लगा लें तो, या ना देखा करें, सिंपल सी बात है प्लीज, बल्कि मैं प्रेफर करता हूं कि ना ही देखें, सिस्टर्स ना देखें यार, सिस्टर्स ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर। वो देखो मैंने कोई ऐसी कोई बात तो करनी नहीं होती कि जनाब को बड़ी नॉलेजेबल हो, को बड़ी को इंटेलेक्चुअल बात हो, सीधी बात है मैं झटका सा देसी सा आदमी हूं, तो वो लोग ही सुने जिन्होंने कुछ कुछ चपड़े चुपड़े मारनी हो, कुछ चांटे चूंटे कोई ठुडे छुडे मारने हो, वो आके सुना करें ज्यादा, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी अपना। ये पाटिल क्या कर रही है, पाटिल का दिमाग काम कर रहा है, मिस पाटिल आप ये क्या कर रही हैं, आमिर भाई इज हॉर्नी, एक तरफ भाई लिख रही हो एक तरफ हॉर्नी कह रही हो, ये मुझे लगता है तुम्हारा ना चैनल कोई खराब हो गया चैनल। हमारे यहाँ भाई के साथ हॉर्नी नहीं लिखते, हम मुसलमान लोग हैं। मिस पाटिल क्या कर रही हैं आप? इसने तो भैया मनु के जो भाई बेटा था ना वो अपनी बहन के साथ लग गया था, वो वैसा नहीं है हम लोग, यामा की तरह नहीं, कमाल है भाई, तुमने मेरी घंटी देख ली है, आमिर भाई इज हॉर्नी। क्या ये किस किस्म के लोग, मिस पाटिल क्या बात है,
जब से आपने कहा है ना आमिर भाई के कृष्ण के अवतार है, तब से ये लग रहे हैं यार। जब से मैंने ये कहा है ना कि मैं श्री पिछले जन्म के अंदर श्री कृष्ण था, मैं आपको बताऊं मुझे बड़ी तादाद में सनातनी लड़कियों की रिक्वेस्टें आई हैं। अभी रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर एक लड़की ने मैसेज भेजा, मैं तो उसकी डीपी देख के डर गया। सीधी सी बात है, मैं हूँ बड़ा ब्रह्मचारी आदमी, मैं बताऊं ये लाइव स्ट्रीम के ऊपर तो मैं बड़ी शुगर मेले की बात करता हूँ, मगर मैं अपनी रियल लाइफ में बड़ा शर्मीला आदमी हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब वो लड़कियां जो हैं वो सनातनी लड़कियां हैं, डीपियां उन्होंने इतनी इतनी खतरनाक लगाई हैं कि बंदा दिमाग घूम जाए, बंदा कहे कि ये क्या बेशरम, ये क्या चीज है। अब मैं हूं सीधी बात है शरीफ आदमी, सीधा साधा आदमी, ब्रह्मचारी, और ऊपर से मैसेज कर रही हैं स्टॉप स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट आवर बोल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट ड्रामा। अब ये मुझे वो मैसेज कर रही हैं कि हमारे बोल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट ड्रामा को एक्सपोज करना बंद कर दें। मैंने आगे से एक ही मैसेज किया, वो मैंने कहा भाई आपको जो मसला है आप लाइव आ जाएं, तो जो ये बोल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ड्रामा है इसके ऊपर बात कर लेंगे। अब आज मैं वेट कर रहा था उनका, कोई नहीं आया। भाई आए ना, आके बात करें, क्या दिक्कत है। गीता वर्सेस कुरान आपका दिया हुआ टॉपिक है, तो इतनी सी बात। इसलिए भाई सीधी बात है, मैंने यार मजाक में श्री कृष्णा कहा था, कुछ लोगों ने मुझे वाकई सीरियस ले लिया हुआ, मैं बताऊं, ठीक है भाई। सॉरी, मेरे दो हाथ जुड़े हैं, ये मेरे हाथ खड़े हैं भाई, मुझे ब्रह्मचारी रहने दें। मैं अति त्याग अति संन्यास की इस वक्त स्थिति के अंदर हूं, मैं गुफा के अंदर इस वक्त खुब चुका हुआ हूं, प्लीज मेरे पास ना आए, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इसी चीज के साथ दोस्तों आज के प्रोग्राम को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ सीखने को अगर मिल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो सीखा करें फिर, आपकी मेहरबानी, कुछ खुद भी सीखा करें। तो अगले हफ्ते अपना जुम्मे को आपसे मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।